नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, हमें मंडे के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी खतरे की घंटी बजते हुए दिख रही है, क्योंकि देखिए कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में यहां जो है आईसीआईसीआई बैंक में आपको देखने को मिल रहा है और ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज के सेशन में यानी जो अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी हमें आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी बिकवाली देखने को नजर आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब मंडे के सेशन में 2nd of January 2023 के लिए जो ICICI में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का जोन कंटिन्यू रह सकता है। तो थोड़ा सा अगर देखिए ICICI बैंक में प्रेशर रहेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ से ICICI बैंक में देखिए आपको मंडे के सेशन में 890 के नीचे यहाँ पे सेलिंग करके चलनी है, यानी बिकवाली करके चलनी है। और यहाँ से आपका जो नीचे का टारगेट है यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो देख रहा हूँ 875 तक मार्केट आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आप लोगों को देखने मिल रहा है और 875 हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट नीचे के डाउनसाइड का होगा। और यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो 870 तक आईसीआईसीआई बैंक मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई बैंक में आप लोगों के लिए जब भी बड़ी मूवमेंट आनी होगी तो ये मान के चलिए 920 के ऊपर ही हम इसमें बाइंग साइड में प्रेफर करेंगे। तो मेरी किसी को बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, तो मैंने आप लोगों को डाउन साइड पर ये लेवल दे दिया। अगर 890 का लेवल ब्रेक करता है तो 875 और 870 तक नीचे की ओर जा सकता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपकी कोई भी पोजिशन यहाँ पर बनी हुई है तो वहाँ से अपनी पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव जाता हुआ आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है। तो आप लोगों के लिए यही थी एक छोटी सी अपडेट जो कि लाइव मार्केट पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और आज डेट है 30th of December 2022 और हो सकता है ये मंडे के सेशन में एक डाउन मूव आप लोगों को दिखा सकता है। तो आप लोग अलर्ट होकर ट्रेड करिएगा और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा आप लोगों को बिकवाली का प्रेशर देखने को कंटिन्यू मिल सकता है, इसलिए बाइंग साइड में जाने के पहले थोड़ा सा इसमें आप लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। और दोस्तों, इसमें अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को दिखाऊं कि वीकली कैंडल पे यहाँ पे कैसा चल रहा है मार्केट, तो इसमें भी आप लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर मूवमेंट गया है और यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है मार्केट, और इसीलिए वेस्ट पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आप लोगों को देखने को आईसीआईसीआई बैंक में मिल सकती है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। और अगर मार्केट इसके लो के नीचे जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा जो कि इसे 870 तक के नीचे की टारगेट दे सकता है। और इसमें अगर हम मंथली कैंडल के भी एनालिसिस करेंगे तो मंथली कैंडल में भी आप लोग अगर इसमें देखेंगे बैंक में, तो यहाँ से भी थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया अगर पोजीशन आपके पास है ऑलरेडी तो मार्केट अभी टॉप पे चल रहा है, वहाँ से थोड़ी सी बिकवाली आप लोगों को इसमें देखने को मंडे के सेशन में मिल सकती है। तो मंडे के लिए हमारे जो टारगेट है वो 875 तक के आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही मेरी आज की एनालिसिस जो कि आईसीआईसीआई बैंक में थी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप जरूर कर लें ताकि जो भी अपडेट वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।